हेलो गाइस, गाइस कैसे हैं आप कैसे हैं सब। आप सब। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि ये जो वीडियो के पीछे जो बैकग्राउंड वीडियो होती है, जो कॉपीराइट फ्री वीडियो होती है, वो कहाँ से लेते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं। जैसे ये मेरी वीडियो के पीछे ये बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही है, ठीक है। तो ये कॉपीराइट फ्री वीडियोस होती हैं, और ये कहाँ से आती हैं और क्या इसका प्रोसीजर है, तो गाइज़ वो आज हम सीखेंगे और आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और इसकी सिंपल एडिटिंग या आगे लेयरिंग वगैरह कैसे करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में करते हैं, ये बिल्कुल एक सिंपल सी वीडियो, कोई इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं डाला हुआ है, सिर्फ एक सादा सी एक वीडियो और इसके पीछे बैकग्राउंड में जो मतलब जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है वो कैसे ऐड किया, ओवरले, ये वो सिंपल सा मतलब प्रोसीजर है, तो उसको आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज़, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल पे जाना और वहाँ पे जाके लिखना है पिक्ट्री, पिक्ट्री AI, ठीक है। उसको आपने ओपन कर लेना है और गाइज थोड़ा सा नेट स्लो हुआ है तो इसलिए। अच्छा, ये हो गया ओपन। तो यहाँ पे ये गाइस, ये पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए दो चार बातें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये देखें कि स्क्रिप्ट राइटिंग, और इसमें आपने जो स्क्रिप्ट है वो अपनी ऐड करनी है, इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपने अपनी स्क्रिप्ट लिख देनी है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको वीडियो जनरेट करके देगा, ठीक है। तो एक और चीज़, अगर आपने वीडियो एडिट मतलब यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिखवा के या उसके अकॉर्डिंग, वो क्योंकि वो जब आप उसके अकॉर्डिंग लिखवाते हैं वीडियो तो वो पीछे एक सब टाइटल चलता है और वीडियो के साथ साथ वो लिखा आता है। तो गाइज़, अगर आप वैसा नहीं चाहते, आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड में वीडियो चाहिए, एक सिंपल सी कॉपीराइट फ्री वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको दो तीन ट्रिक बताते हैं। उसके लिए गाइज आपने सिंपली MS वर्ड या कोई भी आपके पास मतलब नोट पैड है तो वहाँ पे आपने इस तरह से, ये जिस तरह से मैंने लिखा हुआ ये डॉट डॉट लगा के ना, आपने तकरीबन 4-5 पेज राइट कर लेने हैं, ठीक है। और उनको फिर आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे एक सिंपल सा मेथड है, आपने सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इधर ये देखिए, इस तरह से जब आप इसको पेस्ट कर देते हैं तो वो प्रोसीजर चलने लग जाता है और आपकी वीडियो जो है वो वहाँ पे सेव होने लग जाती है, ठीक है। और जब ये सेव हो जाता है तो उसके बाद, अच्छा जब ये सेव हो जाता है तो आप उसके बाद अपनी मतलब वीडियो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेव प्रोसेस्ड का प्रोसीड का बटन आता है तो वहाँ पे लगा। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिख दें। वॉइस तो आपने अगर नहीं चाहिए आपको अगर तो आप लिख दें, वरना इस तरह से आप डॉट डॉट लगा के तो यहाँ से आप प्रोसीड कर देंगे, यहाँ पे प्रोसीड के बटन को क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद ये सब टाइटल का आपको बता देगा कौन सा एंगल लेना, तो आप सिंपल सा कोई भी ले लें क्योंकि आपको सिर्फ बैकग्राउंड वीडियो चाहिए, ठीक है। इसमें 16:9 रेशो में आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसलिए। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास सामने ये वाला एक पेज आ जाएगा कि आपकी वीडियो जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो गाइस ये खुल गया है हमारे पास ये सारा ही। और यहाँ पे ये देखो ऑप्शन आ रहा है कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो किसी भी एंगल, आपको सिर्फ बैकग्राउंड में कुछ यहाँ पे वीडियो चाहिए। और यहाँ पे आप प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये विजुअल आपको नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसके लिए आपने खुद यहाँ पे लिख देना है कि मुझे ऐसा ऐसा विजुअल चाहिए। यहाँ पे हम जैसे मतलब लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में मुझे ये विजुअल चाहिए, ये चाहिए, इससे रिलेटेड चाहिए। जैसे ये सिंपल सा है, बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं अपनी वो रिलैक्सिंग वीडियो जो म्यूज़िक वीडियो बनाई होती है उसके पीछे चलाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पे लिख के सर्च करके जो भी होगा वो इसमें ऐड कर देंगे, इस सीन में आपने कौन सा ऐड करना है वो करना है आप करके। उसके बाद यहाँ पे गाइस ऑप्शन आता है कि आप वॉइस ओवर डाल दें, ठीक है, यहाँ अपलोड करते हैं तो ऐट द टाइम रिकॉर्डिंग भी हो जाती है इस पर। तो यहाँ पे आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक में जाना है और यहाँ पे आप बैकग्राउंड म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक खुद ही रिकमेंड कर देता है, ठीक है, इस जगह पर।
उसके बाद यहाँ पे गाइस आपके पास वॉइस ओवर का है, और वॉइस ओवर में आप कुछ काफ़ी सारी ये देखें वॉइस आपको दे रहे हैं वॉइस ओवर के, इनमें से किसी का भी आप फीमेल की लेना चाहते थे मेल की लेना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल वीडियो आप बनाना चाहते हैं, सिर्फ हल्का सा म्यूज़िक लेना चाहते हैं पीछे, अगर वो भी नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट कर लें। अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो चाहिए, सिंपल सी वीडियो चाहिए, ये देखें ब्लैंक पेपर के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, मैं खुद ही आगे इसको ओवरले करना है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना है। इसकी टाइमिंग मतलब जितने ज़्यादा मैं ये कॉमास और हैश लगा के वीडियो डैश लगा के लिखनी है उतनी लंबी वीडियो होगी। अभी तो ये एक मिनट और 21 सेकंड की है, तो आपने गाइस इसको यहाँ पे डाउनलोड पर सेलेक्ट करके और वीडियो पर सेलेक्ट कर देना है, तो गाइस ये प्रोसीड करने लग जाएगा और अब प्रिपेयरिंग कर रहा है कि वीडियो का डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी देर आपने इसका वेट करना है। अच्छा, जब तक ये हो रहा है डाउनलोड, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पिक्ट्री ऐप है, ये पहले आपको 3 जो है वो वीडियो फ्री ट्रायल जो है वो देती है, उसके बाद आपने इसको बाय करना होता है। लेकिन आपने गाइस इस अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में क्रोम में काफ़ी सारे एक्सटेंशंस ऐसे ऐड कर लेनी, उस पर ज़ेनमेंट लगा लेना, और अगर आपके पास कुछ अकाउंट्स वगैरह पड़े हुए हैं तो वो आप डाल के हर एक से 3-3 वीडियोस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी टिप हो गई। अच्छा, उसके बाद जब ये क्रिएट हो जाएगी तो आपने इसकी एडिटिंग कैसे करनी है, तो सिंपली गाइज आप अपने इसको मोबाइल में ले जाएं, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कैप कट का। ठीक है, आप अपने वीडियो को कैप कट पर लेके जाएँ, कैप कट पर जब आप लेके जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप अपने गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड करें, कहीं से भी करें। ठीक है, तो आप गूगल से करके, कहीं से भी करके ना, तो उन वीडियोस को ओवरले करें। ठीक है, उसका प्रोसीजर करें। ठीक है, तो वो सिंपली जो है वो वीडियो एडिट हो जाती है वहाँ पे, और म्यूज़िक और जो भी कुछ भी है वो सारा प्रोसीजर जो है वो आप बेहतर है कि यहाँ पे जो म्यूज़िक है वो भी कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, तो वो यहाँ से ही आप सेलेक्ट कर ले, अगर आपने अपना वॉइस ओवर डाला है तो साथ में बाद में आप एडिट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से। अभी सिंपल जो मैंने ट्रिक बताई उसमें आप कैप कट ही यूज़ करें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।